हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है श्रीलंका हुआ साफ। अरे वाह, इंडिया सबका बाप। अरे वाह, मतलब हम जीत गए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, रोहित शर्मा। तो चलो भैया, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते जी, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। उड़नतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी देना चाहूंगा। क्या चेतावनी बउआ भाई? यही कि आपके खिलाड़ी स्कैम कर रहे हैं। एक सेकंड, कौन सा स्कैम यार? इतना खुल्लम खुल्ला तो इंडिया में नेता लोग स्कैम नहीं करते। आपके खिलाड़ी आपसे पैसा 5 दिन टेस्ट मैच खेलने का लेते हैं, लेकिन खेलते सिर्फ 2 या 3 दिन। करता है तो बताइए जी। हाँ, मोहाली की तरह बेंगलुरु टेस्ट भी 3 दिन में खत्म हो गया। जिन्होंने चौथे और पांचवें दिन का टिकट लिया था, उनका पैसा बर्बाद। बेन स्टोक्स, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन हेलो, पिच का भिंडी रोना रोने वालों, दिख मत जाना, क्योंकि पिच एकदम ही नॉर्मल थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मोहाली में इंडिया सिर्फ एक इनिंग नहीं खेली होती। इसी तरह बेंगलुरु में भी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि दिक्कत पिच में नहीं, लोगों के दिमाग में है। वैसे जब दिन का खेल शुरू हुआ तो श्रीलंका वालों ने चौके के साथ शुरुआत करी। हमें तो लगा कि ये लोग च्यवनप्राश खाकर आए हैं। हो सकता है मैच चौथे दिन तक चला जाए और फिर मुझे मोदी जी से ट्विटर पर लंका वालों को बहादुरी पुरस्कार देने के लिए कहना पड़ता। लेकिन अश्विन भैया ने ऐसी नौबत नहीं आने दी। 54 के स्कोर पर मेंडिस को आउट करके उन्होंने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया। श्रीलंका वालों ने पहले सेशन खत्म होने तक 3 विकेट खो दिए, लेकिन तेज तेज 120 रन भी बना दिए थे। उनका एटीट्यूड विराट कोहली के उस फैन की तरह था, जो सिक्योरिटी टाप कर मैदान में आया तो विराट कोहली के साथ फोटो खिंचाने था, लेकिन फिर एटीट्यूड ऐसा लगा कि विराट कोहली इनके साथ फोटो खिंचा रहे। गजब बेइज्जती है। वैसे हेलो, आपकी भी फोटो खींचनी बहुत जरूरी है, लेकिन इंस्टाग्राम पर चढ़ाने के लिए नहीं। आपकी हड्डी की फोटो एक्सरे खींचे, आपकी पेट की फोटो अल्ट्रासाउंड से आए। बेसिकली आपको बॉडी चेकअप करवाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या है ना कि हर 6 महीने में बॉडी चेकअप करवाओगे तो पता रहेगा कि बीमारी है या नहीं है, और अगर पहले ही पता चल जाए, मतलब यानी बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी, तो उसका इलाज भी आसानी से हो जाएगा। अब जैसे जितनी जल्दी बल्लेबाज को पता चल जाए कि बॉल ऑफ ब्रेक होगी या लेग ब्रेक, उतना ही वो अच्छा शॉट मार लेगा कि नहीं मार लेगा। तो फुल बॉडी चेकअप बुक कराने के लिए आपको डाउनलोड करना है फार्म इजी का ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। कमाल का ऐप है। दवाइयां तो आपके घर डिलीवर कराता ही है, साथ ही साथ 499 से 1499 तक में फुल बॉडी चेकअप भी करा देता है। घर बैठे फ्री में सैंपल कलेक्शन होगा, डॉक्टर वेरीफाइड रिपोर्ट सेम दिन आपके घर पे आएगी, और सेक्शन 80D के अंदर आपका टैक्स बचेगा वो अलग। इसलिए सबके फोन में फार्म इजी ऐप डाउनलोड करवा देना, घर में जितने भी लोग हैं, क्या समझे, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, जो बचे वो बचा लेना चाहिए। श्रीलंका वालों से न तो मैच बचा, ना इज्जत। हाँ, उनकी कप्तान करुणारत्ने जरूर लाखों क्रिकेट फैंस के दिलों में अपनी जगह बना गए। क्यों? क्योंकि उनकी बेहतरीन पारी वाकई देखने लायक थी। मजा आया। ये तो 174 गेंदों में खेली गई उनकी 107 रन की पारी में 15 खूबसूरत चौके शामिल थे। श्रीलंका के कप्तान न होते तो श्रीलंका वाले एक बार फिर से जल्दी ऑल आउट होकर कल शाम को ही बेंगलुरु से कोलंबो की फ्लाइट में रवाना हो लेते। लेकिन करुणारत्ने की बेहतरीन पारी से श्रीलंका 208 रन बनाने में कामयाब हुआ। टारगेट से फिर भी उनकी टीम 238 रन पीछे रह गई और टीम इंडिया 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत गई। इस मैच में एक और खास बात हुई कि भारत के रविचंद्रन अश्विन डेल स्टेन को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया के 8वें सबसे कामयाब टेस्ट गेंदबाज बन गए। इस पारी में उनको 4 विकेट हासिल हुए, जबकि श्रेयस अय्यर की दोनों इनिंग में बेहतरीन पारियों की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस जीत के साथ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में श्रीलंका को पछाड़कर 4th स्थान पर आ गया है। T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ भारत का होम सीजन भी खत्म हो गया है। न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका हमें इस पूरे सीजन एक भी मैच नहीं हरा पाए। इस बात पे तो पार्टी बनती है दादा। एक सेकंड दादा, हमें पार्टी देना दे, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करके हमें खुशी जरूर दे देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फार्म इजी का ऐप डाउनलोड करके अपने और अपने घर वालों को सेहत का तोहफा भी जरूर देना। बाकी अब तो इट्स आईपीएल टाइम फोक्स। कल से हम अपना आईपीएल स्पेशल रणतंत्र शुरू करेंगे और होली के मौके पर आ रहा है कुछ नया, क्या वो आपको जल्दी बताएंगे। किस टीम के बारे में आपको लगता है सबसे पहले बात होनी चाहिए आईपीएल वाले स्पेशल वीडियो में, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कल सुबह उस टीम के बारे में जानने के लिए वापस आइएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक देखिए, तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया यार। वो यही तो कह रहे हैं कि पूरे मतलब हुई नहीं दिनों का, वो पहले 3 दिन में ही काम ही खत्म हो गया। और जिन्होंने सारे उसको देखने के लिए टिकट ली थी, उनके तो उतना पैसा मतलब वो मतलब अब ये होता है कि अगर आपने इतने दिन किया और टिकट लिया और वो पहले खत्म हो जाए
तो अब वो दो दिन तो आप देख नहीं सकते क्योंकि गेम ही खत्म हो गई। ये समझ नहीं आ रहा, तो गलत बात है, मेरे को लगता नहीं है कि उनको रिफंड मिलेगा। नहीं, वो तो कह रहे नहीं मिलेगा एक्चुअली। ट्रूली अगर आप ट्रू प्रोसेस करें तो उनको दे देना चाहिए। हाँ, दे देना मेरे हिसाब से तो ये है कि देखिए उन्होंने फोर्थ और फिफ्थ डे की ली है, वो डे नहीं होता, उनको पैसा वापस कर देना चाहिए। वो तो है, ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए सॉरी तुमने दे दिया तो हम ले लेंगे। जल्दी खत्म हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना पैसे रख लोगे, वो तो आए नहीं ना, देख तो कुछ नहीं सके वो। क्योंकि ये गैम्बल तो नहीं है ना, मतलब ये गैम्बलिंग तो है नहीं कि गैम्बल आप करें वो बात अलग है। गैम्बलिंग की आपका पैसा चला गया बोलते क्या कर सकते हैं, गैम्बल था भैया, जुआ था, आप क्या कर सकते हैं, जुए में हार गए राइट, ये जुआ तो नहीं है। इसमें आप देखने के लिए बात कर रहे हैं कि भाई जो गेम होगी चौथे दिन में वो देखूंगा, अगर गेम नहीं होती तो वापस मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना तुम क्या करोगे मेरे पैसे का। बिना बात के लोग हैं वो, तो वैसे ही ले लिया, वही तो मैं सोच रही हूँ। मेरे ख्याल से उनको वापस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये चेंज होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये स्कैम नजर आ रहा है कि जिस जो चीज आपने प्रोडक्ट दिया ही नहीं मैं उसका पैसा क्यों दूंगा। हाँ, वो दिन कोई आपने वहां पे वो शो किया क्या? नहीं किया, तो वैसे ही होगा। नहीं, ये तो ऐसे हो गया कि थिएटर में मूवी नहीं लग रही पर आपने पैसे ले लिए, क्योंकि आप जाके गेम देखने लगे हो, आप देखने के लिए जाना है उसका आपने पैसे दिया है, आप आई नहीं स्टेडियम में, वहां पे गेम ही नहीं हो रही उस दिन, तो उस दिन का पैसा क्यों लोगे? या फिर आपने कहना चाहिए था कि लमसम ये पैसा है, चाहे वो दो दिन का गेम हो या पांच दिन हो, गेम जितनी देर चलेगी उतने का ये पैसा है, ऐसा कुछ होना चाहिए, पहले ही टर्म्स में होना चाहिए। पर अगर पर डे के हिसाब से करके कहते कि पांच दिन का और हर दिन का इतना होगा, तो फिर वापस मिलना चाहिए। किस टर्म से, किस वे से देते हैं लोग जो देखना चाहते हैं, जिन्होंने उस मैच का पैसा दिया था, मैच नहीं होता उनको तो पैसा रिटर्न करिए आप। वो इंटरनल पॉइंट है, आपने प्लेयर को क्या दिया क्या नहीं दिया, उसे कॉन्ट्रैक्ट थे जो भी, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करें, जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे कई बार पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है डिफरेंट बात है, मगर लोगों का पैसा वापस आना चाहिए, उनको तो मिलना चाहिए, ये फेयर होने वाली बात है। वो तो है, मगर यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि सभी से जीत गए, वेस्ट इंडीज से भी, श्रीलंका से भी, कमाली तरह से उनको हरा दिया। वेरी नाइस। और अच्छी बात है, और टेबल में जैसे कहने एक से ऊपर भी आ गए। पर अभी हम लोग चौथे नंबर पे थे ना, फोर्थ में, मैं उसको देख के हैरान हो गई कि ऊपर तीन ऑस्ट्रेलिया ऊपर था और पाकिस्तान भी शायद ऊपर ही था, मुझे लगा कैसे, मैं तो उसको देख के इतना हो गई, स्टार्टिंग से इतना भटक क्यों बैठा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। या तो वो आप बताओ भैया ये क्या वजह है, क्यों हम इतने नीचे हैं, हमें बल्कि नंबर वन पे होना चाहिए, चलो वन पे नहीं ना से टू पे तो होना ही चाहिए, उससे नीचे होने का मतलब ही नहीं बनता है यार। तो जिस कंट्री में 1.3 बिलियन लोग के करीब हैं और क्रिकेट पे इतना मैक्सिमम क्रिकेट देखते हैं, उसके बाद तो आप टॉप पे होने चाहिए, क्योंकि इतनी जनता है ही नहीं दूसरी कंट्रीज में उनको सपोर्ट करने के लिए। बताओ भैया, मैक्सिमम सपोर्ट हमारा ही है हमारी कंट्री के लिए, चाइना तो खेलता नहीं है, हमारी उसके बाद दूसरी पॉपुलेशन आई, इतने लोग सपोर्ट करते हैं तो हम तो टॉप पे होने चाहिए क्रिकेट में ऑलवेज। या हो सकता है कि अब चलो ऊपर तो हुए हैं, अब जल्दी से वन पे जाएं, नहीं तो भैया इतना फोकस है पूरे, इतने जनता का फोकस है तो हमारे देश में तो नंबर वन, मतलब क्रिकेट तो नंबर वन होना चाहिए, इतने लोगों का सपोर्ट है। पर ये टाइटल इनका बड़ा अच्छा था, क्या श्रीलंका हुआ साफ, इंडिया सबका बाप, पर वन पे होएगा तब मानेंगे अब हम, वही ऐसे नहीं होना। अभी अभी बोलो इनको, टेबल में जो नंबर वन होगा तब होगा, होएंगे क्यों नहीं होंगे, जल रहे हैं ऊपर जा रहे हैं अब हम। वो मेरे ख्याल से कोई वो जो पीछे की गेमें खराब हो गई थी उसकी वजह से, पर अब तो हम सारे जीत ही रहे हैं तो पहुंच जाएंगे ऊपर। पर मजेदार था, मजा आया देखने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।